बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस ए सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन ए फॉर्मेट दैट इज बोथ हुमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। W3 सीज XML 1.0 स्पेसिफिकेशन एंड सीवरल अदर रिलेटेड स्पेसिफिकेशन, all of them free open standards define XML। yani XML jo hai ek markup language hai jisme hum set of rules jo hai wo define karte hain jinka maqsad hota hai document ko encode karna ek aise format mein encode karna jo jisko jo human readable bhi ho aur machine readable bhi ho। iske alawa hum baat karte hain W3 sees XML 1.0 स्पेसिफिकेशन है और इसके अलावा दूसरे रिलेटेड स्पेसिफिकेशन जो हैं जो कि फ्री ओपन स्टैंडर्ड्स हैं वो भी XML को ही डिफाइन करते हैं। सेकंड पैराग्राफ है द डिज़ाइन गोल्स ऑफ XML एम्फसाइज सिंपलिसिटी जनरलिटी एंड यूजेबिलिटी अक्रॉस द इंटरनेट। इट इज़ ए टेक्सचुअल डाटा फॉर्मेट विद स्ट्रांग सपोर्ट विया यूनिकोड फॉर डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस। Although the design of XML focuses on documents, the language is widely used for the representation of arbitrary data structures such as those used in web services। XML का जो design goals है वो simplicity पे emphasize करता है, generality पे focus करता है और usability पे focus करता है internet पर। ये basically जो XML है एक textual data format है जिसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है यूनिकोड की फॉर डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेजेस के लिए। XML का जो डिज़ाइन है वो फोकस करता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। द लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्बिट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। इसको हम वाइडली यूज करते हैं आर्बिट्री स्ट्रक्चर के लिए सच एज दोज यूज इस तरह वेब सर्विसेज में यूज होती है। सिविल स्कीमा सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं टू एड in the definition of XML based languages। While programmers have developed many application programming interfaces to aid the processing of XML data। Several jo schema system hai wo XML ki definition mein ko support karte hain, jabki jo programmers hain unhone bahut si APIs ko develop kiya hai XML डेटा को प्रोसेस करने में जो कि सपोर्ट करती हैं। थैंक्स।